प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर गरीब और असहायों के लिए शामली शहर के सिल्वर बेल स्कूल परिवार ने एक सकारात्मक पहल प्रारंभ की है। स्कूल के चेयरमैन और भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय संगल गरीब और असहायों को मुफ्त बांटने के लिए हजारों की संख्या में मास्क तैयार करा रहे हैं। सिल्वर बेल स्कूल में स्कूल के कर्मचारियों द्वारा ही तैयार किए जा रहे मास्कों की गुणवत्ता को सोमवार को मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संजय भटनागर तथा ACMO डॉक्टर KP सिंह ने परखा। कैसे वितरण होगा ये मास्क? जो हमारी सरकार ने, योगी जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि कोरोना वायरस के बाद भी जो लोग बाजार में निकले और मास्क लगा के निकले, गरीब लोगों की, कमजोर जो मास्क नहीं खरीद सकती, उनकी सहायता के लिए सिल्वर बेल्ट स्कूल परिवार अपनी ओर से मास्क निर्माण और मास्क का निर्माण भी जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो खुद आके बना रहे हैं। ये सिल्वर बेल्ट स्कूल्स में मैं आया हूँ और यहाँ देख रहा हूँ कि अजय संगर जी द्वारा मास्क का उत्पादन लार्ज स्केल पर किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी पहल है क्योंकि गरीब जनता को मास्क बांटने के लिए हम लोग यहाँ से दे पाएंगे और ये हमारे सरकार के आदेशों का भी पालन रहेगा कि जो भी व्यक्ति बाज़ार में खुले में जाए वो अपने मास्क का इस्तेमाल करे ताकि ना तो खुद बीमार पड़े कोरोना वायरस से और ना कोरोना वायरस से किसी और को संक्रमित करे। धन्यवाद।